आज मैं लेकर आई हूँ सीजन का सबसे स्पेशल एकदम खिला खिला खुशबूदार ताज़ा मटर आलू पुलाव। इसे हम कुकर में बनाएंगे और ये 15 मिनट में बनकर के तैयार हो जाएगा और इतना टेस्टी बनता है इसके सामने बिरयानी भी कम लगे। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्ते दोस्तों, निर्मलाज किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, सर्दियों की स्पेशल और सभी की फेवरेट रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। एकदम खिला खिला खुशबूदार टेस्टी पुलाव बनाने के लिए मैंने गैस के ऊपर कुकर रख दिया है। इसको हम कुकर में बनाएंगे। एक चम्मच मैंने ऑयल डाला है। आप चाहें तो इसके अंदर ऑयल और घी को मिक्स करके भी बना सकते हैं। अब हम इसके अंदर कुछ खड़े मसाले डालेंगे। तो एक मैंने तेज़पत्ता लिया है, एक दालचीनी का टुकड़ा, 4 लौंग, 5-6 काली मिर्च लिए, एक चम्मच जीरा, एक चक्रफूल लिया है, 2 हरी इलायची ली है और एक बड़ी इलायची ली है। अगर इनमें से कोई मसाला आपके पास ना हो तो कोई बात नहीं, तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया। अब हम सारे मसाले इसके अंदर डाल देंगे। मसालों को हम अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि इसकी खुशबू अच्छे से आए ऑयल के अंदर। इन मसालों से बहुत ही टेस्टी पुलाव बनता है हमारा। चलिए, इनको अच्छे से फ्राई हो गए हैं ये। अब ये मैंने एक बड़ी साइज़ का प्याज लिया है, इसको स्लाइसेस में कट किया है, ये डाल देंगे और इसको भी मिला लेंगे ऑयल के साथ अच्छे से और 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लेंगे। 1 से 1.5 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर लहसुन अदरक को दरदरा करके डालेंगे। तो 1.5 चम्मच मैंने लहसुन और अदरक को दरदरा करके इसके अंदर डाला है। 1 इंच मैंने अदरक को लिया है और 4 से 5 मैंने लहसुन की कलियों को लिया है और उनको इस तरह से कूट लिया, ये डाल देंगे। आप चाहें तो इनका पेस्ट भी डाल सकते हैं। अब इसको भी इसके साथ भून लेते हैं प्याज के साथ। प्याज हमारे गोल्डन कलर के हो जाएं तो हम इसके अंदर 1 टमाटर डाल देंगे बड़ी साइज़ का। इसको मैंने इस तरह से स्लाइसेस में कट किया है टमाटर को। टमाटर को मिला देंगे प्याज के साथ। मिलाने के बाद हम इसके अंदर हल्का सा नमक डाल देंगे ताकि प्याज ये जल्दी गल जाए। चलिए, जब तक हमारे टमाटर गलते हैं तब तक हम चावल को ले लेते हैं और उनको धो कर के रख देंगे। तो मैंने 1 गिलास ये बासमती चावल लिया है। पुलाव के लिए ये चावल अच्छे रहते हैं। अगर आपके पास ये ना हो तो आप नॉर्मल जो आपके पास हो उनसे बना सकते हैं। तो इनको हमें भिगो के नहीं रखना है फ्रेंड्स, हम इनको 2 से 3 बार अच्छे से धो कर के साइड में रख देंगे। ये लीजिए, टमाटर भी हमारे गल गए हैं। तब हम इसके अंदर मसाला ऐड कर देंगे। 1/2 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर मिक्स किया है, 1/4 चम्मच हम इसके अंदर हल्दी डाल देंगे और ये 1 चम्मच मैंने पाव भाजी मसाला लिया है। फ्रेंड्स, एक बार डाल करके देखिएगा, बहुत ही गजब का स्वाद आता है इसके अंदर पुलाव के अंदर। तो 1 से 1.5 मिनट हम इन मसालों को भून लेंगे प्याज के साथ। 1 से 1.5 मिनट हो गया मुझे इन सबको भूनते हुए। तब हम क्या करेंगे, 1 कटोरी मैंने ये मटर लिए हैं, फ्रेश वाले मटर लिए हैं, 1 कप के लगभग हैं ये। तो ये डाल देंगे इसके अंदर। अब हम इसके अंदर 2 आलू कट करके डाल देंगे। 2 आलू को धो करके छील लिया मैंने और इस तरह से बड़े टुकड़ों में कट किया है, ये डाल देंगे और 2 मिनट के लिए इस मसाले के साथ इन दोनों को अच्छे से भून लेंगे। मटर और आलू हमारे अच्छे से भून गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर चावल को मिक्स करेंगे जो अभी हमने धो करके रखे थे। ये देखिए, मसाले के साथ हमें अच्छे से भुनना है इनको। चलिए, अब हम इसके अंदर ये चावल डाल देंगे। चावल को भिगो के नहीं रखना है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर भिगो के रख देते हैं ना तो ये टूट जाते हैं। तो सिर्फ मैंने इसको धोया है 2 से 3 बार। अब हम इस मसाले के साथ चावल को अच्छे से भूनेंगे। 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे इनको। ये देखिएगा ऐसे, ये लीजिए, 1 से 1.5 मिनट हो गया मुझे मसाले के साथ चावल को भूनते हुए। अब हम जिस गिलास से चावल लिया था उसी गिलास से इसके अंदर पानी डालेंगे। तो 1 गिलास मैंने चावल लिया है तो उसके अनुसार हम 1.5 गिलास इसके अंदर पानी डाल देंगे। परफेक्ट मेजरमेंट है फ्रेंड्स ये, आप इस तरह से बना करके देखिए, एक एक दाना खिल जाएगा आपका पुलाव का। ये देखिए, 1.5 गिलास मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है। अब हम इनको मिक्स कर देते हैं। चावल को और सबको मैंने मिक्स कर दिया। अब ये मैंने 1 नींबू का रस लिया है, ये डाल देंगे। इससे क्या होगा कि हमारे चावल का दाना एक एक खिल जाएगा
बहुत ही अच्छा पुलाव बनेगा। अब हम इस पुलाव के हिसाब से नमक मिक्स कर देंगे। ध्यान रखना फ्रेंड्स, हमने टमाटर के टाइम पे भी नमक डाला था, तो थोड़ा ध्यान से डालना। अब इसको मिला देंगे ऐसे। ये मैंने एक हरी मिर्च ली है, ये डाल देंगे इस तरह से स्लाइस में कट करके। इसको भी मिला देंगे इसके अंदर। चलिए अब हम क्या करेंगे, ढक्कन लगा करके दो सीटी लेंगे। फुल फ्लेम पे हमें सीटी लेनी है दो। चलिए प्रेशर अपने आप निकलने देना फ्रेंड्स, जब अपने आप ठंडा होगा तभी हम इसको खोलेंगे। ये लीजिए प्रेशर निकल चुका है, अब हम इसको खोल लेते हैं कुकर को। ये देखिए फ्रेंड्स कितना लाजवाब पुलाव बना है हमारा। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, अच्छे से पके हैं हमारे चावल। ये देखिए बिल्कुल भी मेस नहीं हुए हैं, है ना, बिल्कुल लाजवाब पुलाव की रेसिपी। ये देखिए एक एक दाना खिला हुआ है। तो इस तरह से हल्के हाथों से इसको मिला लेंगे, अभी काफ़ी गर्म है ये। इन सबको मिक्स कर लेंगे इस तरह से। तो बहुत ही इजी रेसिपी है फ्रेंड्स, 15 मिनट लगेंगे इस तरह से आप पुलाव बनाएंगे और टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा है। चलिए ये अभी काफ़ी गर्म है, इसको ठंडा होने देते हैं, ठंडा होने के बाद सर्व करेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स हमारा पुलाव बन करके तैयार है। ये देखिए कितना दाना दाना खिला है ना लाजवाब, और बहुत ही जल्दी बन करके तैयार होता है। इसको आप सैलेड के साथ या फिर दही के साथ, रायते के साथ सर्व करेंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो इस तरह से आप पुलाव कुकर में बनाइए, 15 मिनट के अंदर बन करके तैयार हो जाएगा और टेस्ट तो इतना लाजवाब है कि बिरयानी भी कम लगेगी इसके सामने। तो आप एक बार इस तरह से बनाएंगे तो सभी को पसंद आएगा ये। तो फ्रेंड्स अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इस रेसिपी को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।